खड़ी है काम नहीं तो पसारा नहीं ठेवायचं एका दुसरी साप आला तो भाग पडेल कुठे इथं बघितलं होतं का हा त्याच्या खालीच तर गेलाय छाय पूछ दिखी खाली मेरे को अब पीछे से पैनिंग करो बाद जब दिख रहा है इधर से दिख रही देखो राइट खड़ा दिख रही तुमको तो इधर ले लो पहले मैं बता देता हूँ नीचे बैठ के लो तो देखा आपने अभी हम यहाँ पर कॉल पर आए और आने के बाद यहाँ पे हमने ढूंढा तो काफ़ी सामान पड़ा है तो हटाने के बाद हमारी वहाँ पे नज़र पड़ी है तो जहाँ तक मेरा ख्याल है हो सकता है शायद रैट स्नेक है वो जिसको हम लोग धामन बोलते हैं तो बाहर निकाल के देखते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं तो पहले उसको पकड़ेंगे हम तो आप देख सकते हो कि इसको मैंने पकड़ लिया है लेकिन ये अपने आप को खींच रही है अंदर की तरफ ये जरा है ना ये थोड़ा पीछे लो सर ये पोता काढ़ा पड़ते हो चावती बेकर चावती है फिर हमारा सामना एक बार धामन साहब के साथ हुआ है आप देख सकते हो और ये बाइट लेने के पोजीशन पे है एक काम करना त्याच्यामध्ये ग्लव्स काढून घ्या मला जरा फिर जवळून जाऊ आपण कशाला घाबरत आहे पकडलं ना तो आप देख सकते हो कि फिर हमारा सामना जो हुआ है रैट स्नेक के साथ हुआ है कल भी हमने ऐसे रैट स्नेक पकड़ा था और अभी भी हमको रैट मिला है तो इसके बारे में हर बार मैं आपको वीडियो में बताता हूँ एक बार फिर से बताता हूँ और ये बताना बार बार जरूरी इसलिए है क्योंकि लोगों को एक बार बताए तो समझ में आता नहीं है सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ ये रैट स्नेक मतलब इसको धामन बोलते हैं और इसको मजाक में लेना नहीं है सबसे पहली बात ये काटेगा तो काफ़ी ज़ोर से काटता है और इसके मुंह में काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं ये ध्यान में रखना है तो ये खासकर उनके लिए बताता हूँ कि जो नए बच्चे जो इस लाइन से जुड़े हैं या धामन साहब समझ कर इसको पकड़ने की कोशिश करते तो उसको पकड़ना नहीं है सांप कोई भी हो एक मिनट यार बहुत टाइट पकड़ लिया गांठ बांध रही लूज करने दो उसको छोड़ेगी नहीं जल्दी तो आपको एक बार मैं पहले नज़दीक से दिखाता तो इसको पहचानना कैसे है इसके चेहरे को देखना है इसका जो चेहरा है इसको अच्छी तरह देखो इसने देखो अभी मुझे दो बार तीन बार बाइट लिया इसने काफ़ी ज़ोरदार तो आप इसको देख सकते हो इसके चेहरे को देखना है इसके चेहरे के नीचे हमेशा आपको जो है लाइनिंग्स दिखाई देंगे ब्लैक कलर की लाइनिंग्स मैं हर बार वीडियो में आपको बोलता हूँ चेहरा छोटा और इसकी बॉडी बड़ी होती है और इसके जो चेहरे का जो निचला हिस्सा होता है उसके नीचे आपको हमेशा ऐसे लाइन्स दिखाई दे देंगे इस लाइन्स को अच्छी तरह देखो आप ये देखो किस तरह उसने बाइट लेने की कोशिश कर रहा है वो बार बार दिख रहे सर एकदम अच्छे से जूम करके दिखा तो इसके चेहरे को आप अच्छे से पहचानो जब भी आपको ऐसा चेहरा दिख जाए तो समझ जाना है धामन साहब है तो डरना नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है अगर कोई स्नेक फ्रेंड नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसको डंडे से हटा दो वो निकल जाएगा ये जो सांप है हमारे घर के आसपास हमेशा रहता है ये कॉमन सांप है एकदम और अगर इसका चेहरा आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसकी पूंछ की तरफ देखना है इसकी आपकी पूंछ दिखाता हूँ इसकी पूंछ जो होती है जालीदार पूंछ होती है एकदम ऐसे जाली की तरह ये देखिए ये देखो इसने फिर काटने की कोशिश की और ये काफ़ी बार बार काट रहा है ये सांप ये इसके ऊपर देखो
तो ये जो इसकी पूंछ है, इसकी पूंछ को देखना है। ऐसे जालीदार जब आपको पूंछ दिखती हो तो समझ जाना कि रैट स्नेक है। बीच में बोलो मत मैडम, एक मिनट। और इस सांप के बारे में आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों की जो गलत फहमी है इस सांप को लेकर, कि यह सांप जो है पूंछ मारती है या पूंछ मारता है, यह भैंस के पैर को लपेट के दूध पी लेता, तो ऐसा कुछ होता नहीं, सब बकवासबाजी है। दुनिया में कोई सांप जो है कि दूध पीता नहीं है। हर बार आपको मैं वीडियो में बताता हूँ, दुनिया में कोई ऐसा सांप नहीं है जो दूध पीता है। दूध से सांप का कोई लेना देना नहीं है। सांप जो होता है वो शुद्ध मांसाहारी होता है। तो वो जो घर के आसपास जो मेंढक, चूहे, छिपकली, इन सबको खाने के लिए वो आता है। इसके अलावा ये दूसरा कुछ खाता नहीं है, ये ध्यान में रखना है। और ये जो है रैट स्नेक यानी धामन, ये जब आपको दिखता है और आपके पास अगर किसी सर्प मित्र का अगर नंबर नहीं है तो उसको आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, खाली उसको वहाँ पे देखना है चीज़ों को हटा के दूर से, और डंडे से खाली उसको पुश कर देना, उसको भगा देना है अगर कोई सर्प मित्र अगर नहीं आता तो। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि ये नुकसान कुछ नहीं करता अपना, ये काटता जोर से। अभी इसने कम से कम मुझे अभी तक ना 6 या 7 बार इसने बाइट ली है, और इसकी जो बाइट है काफ़ी पावरफुल होती है। हर बार आपको वीडियो में बोलता हूँ, इसकी वजह से मैंने ग्लव्स डाले। अभी 2-4 बार इसने मेरे हाथ पर काटा, ये फुल स्लीव्स की वजह से वो बच गया हूँ मैं। एक बार आपको मैं नजदीक से फिर से दिखा देता हूँ, इसके चेहरे को अच्छी तरह पहचान लो। रेड स्नेक, इसको धामन बोलते हैं। इसके गर्दन का निचला हिस्सा देखिए, आपको इसके गर्दन के नीचे हमेशा आपको ऐसे लाइनिंग्स दिखाई देंगे। क्लियर दिख रहा है क्या सर? एकदम। इसके चेहरे को आप अच्छी तरह पहचानो, इसके लिए मैं बार बार जूम करके दिखा रहा हूँ, और काफी घबरा रहा है इसलिए जीभ बार 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 निकाल रहा है वो। इसकी लंबाई दिखा दे एक बार सर। फिर भी अभी ये छोटा है, ये पूरा भी बड़ा नहीं हुआ। तो बस आखिरी में यही बोलूंगा, तो इसी तरह जो है जब आपके एरिया में कभी भी कोई सांप दिखाई दे तो घबराना नहीं है। देखिए उसने फिर जोर से बाइट ली मुझे, बहुत जोर से काटा इसने, लेकिन ग्लव्स और फुल स्लीव्स की वजह से बचाव हो गया मेरा। तो ये बताने का मतलब ये है कि इससे बचकर रहना है, क्योंकि सांप कोई भी हो, अगर उसको आप अगर ज़बरदस्ती पकड़ेंगे या उसके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे तो अपने आत्मरक्षा के लिए वो काटेगा, चाहे वो पॉइजनस हो या नॉन पॉइजनस हो। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। और जिस तरह आपने मुझे कॉल किया था, आइए एक मिनट, आपका नाम बोलिए सर। रविंद्र। ये रविंद्र जी हैं, तो इन्होंने मुझे अभी कॉल किया, और कॉल करने के बाद इन्होंने सबसे अकलमंदी का जो काम ये किया कि इन्होंने जो है सांप के ऊपर नज़र बनाए रखी। तो नज़र बनाने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि उसे कहाँ से रेस्क्यू करना है। अगर इन्होंने अगर उस पर नज़र नहीं बनाई होती तो अगर वो अंदाजे से बोलते कि मैंने यहाँ से देखा था, तो सांप हमको आसानी से मिलता नहीं है। और ये सांप आज पहली बार मुझे ऐसा मिला कि जो बार बार इतनी बार काटा है, कम से कम 8-9 बार ये काट चुका है अभी तक। अगर ग्लव्स नहीं होते और अगर मेरी फुल स्लीव नहीं होती तो काफ़ी जगह से जो है डैमेज हो सकता था मेरा हाथ। तो ये ध्यान में रखना है, इसलिए कोई भी सांप को मजाक में लेना नहीं और पकड़ने की कोशिश नहीं करना। बस जैसे रविंद्र जी ने नज़र बना के रखी है, ऐसे नज़र बना के रखनी है ताकि हमको पकड़ने में आसानी हो। अभी सांप को हम लोग सही सलामत जाते जाते सेफ जगह पर कोई नदी के किनारे छोड़ देंगे, क्योंकि ये नॉन पॉइजनस है, इसके अंदर बिल्कुल जहर नहीं है। अगर ये सांप ने किसी को काट भी लिया तो किसी का नुकसान होता नहीं, किसी की मौत होती नहीं है, क्योंकि उसमें जहर नहीं है, लेकिन वो अपने आत्मरक्षा के लिए काटेगा। इसकी वजह से इसको हम लोग अपने घर के पास नदी के किनारे कहीं सेफ जगह पर छोड़ देंगे, क्योंकि ये भूले भटके शिकार की तलाश में घर के नज़दीक या घर के अंदर दाखिल हो जाता है कोई भी सांप। तो बस इसी तरह वीडियो में मेरे साथ बनी रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से कोई सांप की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय पुणे, जय महाराष्ट्र। सांप दिसतो घाडा, तुम चालू करो ना यार। तो देखा हमने आप जो रैश ने को पकड़ा, इसको हम लोग यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। जूम मत, ज़्यादा भी मत करो, जाएगा घर का रास्ता दिखाने बराबर जाएगा। देखो जा रहा है अभी, तैयारी रुक। ओके चल।